उपमंडल भोरंज के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रांति और नवाही माता मेले के उपलक्ष्य पर कई जगह पर मीठे पानी की छबील लगाई गई, जिसमें लोगों ने मीठा पानी, फल, हलवा, चने इत्यादि लोगों में वितरित किए। लोगों का मानना है कि ये प्रथा प्राचीन काल से, जब से नवाही माता का मेला लग रहा है तब से चली आ रही है। उपमंडल भोरंज के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रांति और नवाही माता मेले के उपलक्ष्य पर ब्रेडी, हनोह, खड बाजार, नगरोटा, चंद्रोही, कक्कड़, नेरी, बुक्कड़, दमरोल, भोर इत्यादि में मीठे पानी की छबील लगाई गई, जिसमें लोगों ने मीठा पानी, फल, हलवा, चने इत्यादि लोगों में वितरित किए। लोगों का मानना है कि ये प्रथा प्राचीन काल से, जब से नवाही माता का मेला लग रहा है तब से चली आ रही है। लोग पैदल मेले में माता के दर्शनों के लिए जाते हैं, उसमें गर्मी भी बहुत पड़ती है तो लोग पेड़ों की छांव में विश्राम करने के लिए बैठते हैं, तो श्रद्धालुओं को पीने के लिए पानी और भूख मिटाने के लिए फलाहार दिया जाता है, जिससे ग्रामीण इकट्ठे होकर पूरे गांव से पैसे एकत्रित कर इस प्रकार की छबील लगाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कई जगह इन छबीलों का रूप भंडारों ने ले लिया है, जिससे हमारी संस्कृति और भाईचारे के भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार के आयोजन से जहाँ लोग अपने व्यस्त कार्यों से समय निकालकर सामाजिक कार्य करते हैं, उससे समाज में भाईचारे को भी बल मिलता है, जो कि आज बागम बाग की जिंदगी से खत्म होता जा रहा है।